मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं एजाज मंसूरी आपके अपने YouTube चैनल इकरा इंग्लिश क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा पाँचवीं के लेसन वन की ग्रामर। बच्चों, हमने लेसन वाला वीडियो और लेसन वन के क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो डाल दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन वन की एक्सरसाइजेस। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइजेस मतलब होता है बच्चों अभ्यास। जो भी पाठ हमने पढ़ा है उससे संबंधित अभ्यास हमको करना है। यहाँ पर लिखा है लिसन एंड रिपीट। लिसन का मतलब है सुनो और रिपीट का मतलब है दोहराओ। सुनो और दोहराओ। यहाँ पर शब्द दिए हैं, मैं बोलूँगा और आपको दोहराना है। इनको किस तरह से पढ़ना है बच्चों? इनको जल्दी जल्दी पढ़ना है, ट्री फ्री थ्री इस तरह से, क्योंकि यह राइमिंग वर्ड्स है। राइमिंग वर्ड्स मतलब जिनके अंत में एक जैसी आवाज़ आती है, एक जैसी ध्वनि निकलती है ना। एक जैसी आवाज़ आ रही है ना, ईट सीट हीट, वेयर टेयर बेयर, रीड बीड लीड। इसी तरह से आपको इनको दोहराना है। अब मैं इनके अर्थ भी बता देता हूँ। ट्री यानी पेड़ होता है, फ्री यानी मुक्त या किसी चीज़ फिर कोई चीज़ फ्री में मिलती है वो, या किसी को फ्री कर दिया, उसको मुक्त कर दिया। थ्री यानी तीन, ईट यानी खाना, सीट यानी बैठने वाली सीट, हीट यानी गर्मी, वेयर यानी पहनना, टेयर यानी फाड़ना। टेयर के दो अर्थ होते हैं, टेयर यानी पढ़ना भी होता है और टेयर यानी आंसू भी होता है। बियर बेयर यानी बियर यानी भालू भी होता है, और बियर यानी सहना, किसी दर्द को सहना उसको भी बियर बोलते हैं, और बेयर यानी भालू भी होता है। रीड यानी पढ़ना, बीड यानी मोती होता है या मन का होता है, मतलब वो उस तरह का मोती जिसमें आप धागा पिरोकर उसकी माला बना सकते हैं, उसको बोलते हैं बीड। लीड यानी नेतृत्व करना, किसी भी टीम को गाइड करना, लीड करना। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, दिया है अगला प्रश्न वर्ड पावर यानी शब्द शक्ति। वर्ड यानी शब्द, पावर यानी शक्ति। क्वेश्चन दिया है सर्कल द ऑड वंस, असमान शब्दों पर गोला लगाइए। सर्कल यानी गोला, ऑड वंस यानी असमान शब्दों पर। अब इसमें से असमान शब्द पर हमको गोला लगाना है। जैसे पहला एग्जाम्पल उदाहरण उन्होंने करके बताया है। यहाँ पर लिखा था फ्लावर यानी फूल, ग्रास यानी घास, बर्ड यानी पक्षी, ट्री यानी पेड़। तो जो फूल है, घास है और पेड़ है, ये तीनों एक ही चीज़ के अंग है, मतलब ये ज़मीन पर रहते हैं, और ये जो बर्ड है ये आसमान में उड़ते हैं, बर्ड यानी पक्षी, इसलिए इस पर हमको गोला लगाना है। ये उन्होंने लगा ही दिया है, करके बताया है। अगला देखते हैं बच्चों, अगले में दिया है बर्ड यानी पक्षी, बी यानी मधुमक्खी, बटरफ्लाई यानी तितली, बफेलो यानी भैंस। अब आप बताओ इन चारों में से आसमान अलग कौन है? वेरी गुड, बफेलो अलग है यानी भैंस अलग है। भैंस ज़मीन पर रहती है और बाकी ये तीनों आसमान में उड़ते हैं। बर्ड यानी पक्षी आसमान में उड़ता है, बी मधुमक्खी, और बटरफ्लाई भी आसमान में उड़ती है, तितली। अगला करते हैं बच्चों, सॉन्ग यानी गाना, फूड यानी खाना, क्लोथ यानी कपड़े, होम यानी घर। अब आप बताइए इसमें कौन सा अलग है? वेरी गुड, सॉन्ग, सॉन्ग यानी गाना, गाने वाला गाना, ये अलग है। फूड यानी खाना, क्लोथ यानी कपड़े, और होम यानी घर, ये तो एक ही चीज़ का हिस्सा है, ये हमसे संबंधित है। हम घर में रहते हैं, कपड़े पहनते हैं और खाना खाते हैं, और गाना जो है, सॉन्ग जो है, अलग है, इसलिए इस पर आपको घेरा लगाना है, गोला बनाना है। अगला है बच्चों फादर यानी पिता, ब्रदर यानी भाई, सिस्टर यानी बहन, सिंगर यानी गायक। हाँ, वेरी गुड, इसमें आएगा सिंगर पे गोला, गायक पे। बाकी पिता, भाई और बहन ये तीनों हमसे संबंधित है, इनसे हमारा रिश्ता है, और सिंगर जो है गायक वो एक अलग हो गया। अगला देखते हैं बच्चों, बुक यानी किताब, पेंसिल यानी पेंसिल, वाटर यानी पानी, पेन यानी कलम या पेन।
अब इसमें क्या अलग होगा, वेरी गुड, वाटर यानी पानी अलग हो जाएगा, इस पर गोला लगा देंगे, ये इन चारों में से अलग है। पेन से हम लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, किताब में हम पढ़ते हैं, ये तीनों पढ़ाई से संबंधित हो गई, और पानी अलग हो गया, इसलिए इस पर गोला लगा देना। तो बच्चों एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ पर गोला आएगा। इसमें बफेलो यानी भैंस पर गोला आएगा, इसमें सॉन्ग यानी गाने पर गोला आएगा, इसमें सिंगर यानी गायक पर गोला आएगा, और इसमें वाटर यानी पानी पर गोला आएगा। आप अपनी बुक या किताब में पेंसिल से करें इन सब चीज़ों को, पेन से नहीं करें। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, कंप्लीट दी सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। अब नीचे आपको कुछ शब्द दिए हैं, बुक्स यानी किताबें, प्लांट्स यानी पौधे, पेट्स यानी पालतू पशु या जानवर, प्लेयर्स यानी खिलाड़ी, गेम्स यानी खेल। इन शब्दों का उपयोग कर हमको नीचे वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और एक कंप्लीट वाक्य बनाना है, संपूर्ण पूर्ण वाक्य बनाना है जिसका कुछ अर्थ निकले। वी से एवरी डे, हम प्रतिदिन, से यानी कहना होता है लेकिन यहाँ पर अर्थ निकलेगा करते हैं। हम प्रतिदिन क्या करते हैं बच्चों, प्रेयर्स, हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, पहले पे आ जाएगा प्रेयर्स, एक नंबर डाल देता हूँ मैं। वी वाटर एवरी डे, हम प्रतिदिन पानी देते हैं, पानी किसको देंगे बच्चों, प्लांट्स को, वेरी गुड। वी वाटर प्लांट्स एवरी डे, हम प्रतिदिन पौधों को पानी देते हैं। वी प्ले एवरी डे, हम प्रतिदिन खेलते हैं, इसमें आ जाएगा गेम्स, ये थर्ड वाला ये आएगा गेम्स। वी प्ले, यहाँ पर आपको लिखना है गेम्स एवरी डे, हम प्रतिदिन खेल खेलते हैं। वी रीड एवरी डे, हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बुक्स, वेरी गुड, हम प्रतिदिन किताबें पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको बुक्स लिखना है। वी फीड अवर एवरी डे, हम प्रतिदिन, हमारे अब एक ही बचा है, पेट्स यानी पशुओं को खाना खिलाते हैं, यहाँ पे जाएगा पेट्स। वी फीड अवर पेट्स एवरी डे, हम प्रतिदिन हमारे पशुओं को खाना खिलाते हैं। पालतू जानवर होता है पेट्स का मतलब, जो भी आप जानवर, जिनको भी आप पालते हैं उन्हें पालतू जानवर कहते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली तोता वगैरह जो भी है उनको प्रतिदिन खाना खिलाते हैं। अब बच्चों ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन ये हमने करा दिए हैं, इसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। ये चारों क्वेश्चन के आंसर बहुत ही आसान भाषा में हमने अच्छे से समझाए हैं और इनसे संबंधित कठिन शब्दों को भी बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है लेट्स टॉक, आओ बातचीत करें। आस्क योर क्लासमेट्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, अपने सहपाठी से निम्नलिखित प्रश्न पूछिए। आस्क यानी पूछिए, योर क्लासमेट्स यानी आपके सहपाठी से, फॉलोइंग क्वेश्चन यानी नीचे दिए गए प्रश्न। अब आपको ये करना है कि नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, ये प्रश्न आपको आपके दोस्तों से, क्लास में जो आपके दोस्त हैं उनसे पूछना है, वो आपको इसका आंसर देंगे। पहला प्रश्न है, मैं समझा देता हूँ इसका हिंदी में क्या होगा। हु हैज़ गिवन अस फादर एंड मदर, हु यानी किसने, हैज़ गिवन दिए हैं, अस यानी हमें, फादर एंड मदर माता और पिता, हमें माता और पिता किसने दिए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, गॉड यानी भगवान ने, हमें माता और पिता भगवान ने दिए हैं, या गॉड हैज़ गिवन अस फादर एंड मदर, भगवान ने हमें माता और पिता दिए हैं। ये तो सिर्फ आपके लिए एक एक्टिविटी है क्लास में करने के लिए, आप क्लास में दोस्तों से प्रश्न पूछें और इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करें। दूसरा प्रश्न समझाता हूँ, व्हाट हैज़ गॉड गिवन अस टू रीड, भगवान ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिया है, तो आप बताइए क्या दिया है, बुक्स, वेरी गुड, भगवान ने हमें पढ़ने के लिए किताबें दी हैं। तीसरा प्रश्न है, व्हाट हैज़ गॉड गिवन द बर्ड्स टू इनेबल देम टू फ्लाई, भगवान ने पक्षियों को उड़ने के लिए क्या दिए हैं, वेरी गुड,
भगवान ने पक्षियों को उड़ने के लिए क्या दिए हैं? पंख दिए हैं, विंग्स, WINGS, विंग्स यानी पंख या पर। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डू वी डू टू थैंक गॉड, हम भगवान का धन्यवाद किस प्रकार कर सकते हैं? तो पाठ किस बारे में है? प्रेयर यानी प्रार्थना। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वी प्रे टू थैंक गॉड, हम प्रार्थना करके भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं। प्रे यानी प्रार्थना करना, PRAY, प्रे यानी प्रार्थना करना, वो प्रेयर यानी प्रार्थना होती है। फिर है लास्ट वाला क्वेश्चन, नेम द थिंग्स गिवन बाय गॉड, उन चीज़ों के नाम लिखिए जो कि भगवान ने हमें दी है। तो आप क्या क्या नाम लिख सकते हैं? भगवान ने हमें क्या क्या दिया है? तो गॉड हैज़ गिवन अस फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ट्रीज, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, वीज, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? आप पोयम में से भी देख के बता सकते हैं। देखो ऊपर पोयम में क्या क्या दिया है, फ्लावर्स दिए हैं गॉड ने, ग्रास दिए, घास, ट्रीज यानी पेड़, बटरफ्लाइज बर्ड्स यानी पक्षी, बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ, बीज यानी मधुमक्खी दी हैं भगवान ने हमें, फादर्स दिए हैं, मदर्स दिए हैं, सिस्टर्स, ब्रदर्स दिए हैं, है ना बच्चों? क्लोथ्स दिए हैं कपड़े पहनने के लिए, बुक्स दी है पढ़ने के लिए, सॉन्ग्स दिए हैं सुनने के लिए, गाने के लिए, है ना? और ज़रूरी नहीं है इतनी चीज़ लिखना, जो भी आपके आसपास जो भी भगवान ने जितनी भी हमें चीज़ें प्रदान की हैं उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या थी आपके लिए? एक एक्टिविटी, एक गतिविधि थी जो कि आपको आपके दोस्तों के साथ करना है, इन प्रश्नों को पूछना है। आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं और जवाब हिंदी में भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में ही। जैसे आपने आपके दोस्त से पूछा कि हमें माता और पिता किसने दिए हैं, तो वो हिंदी में भी आंसर दे सकता है, वो बोलेगा हमें माता और पिता भगवान ने दिए हैं या गॉड ने दिए हैं, गॉड यानी भगवान। अगली चीज़ है, लेट्स राइट, आओ लिखें, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द थिंग्स गिवन बाय गॉड, भगवान के द्वारा प्रदान की गई 5 चीज़ों के नाम लिखिए। राइट यानी लिखिए, 5 सेंटेंस, 5 वाक्य, अबाउट यानी के बारे में, द थिंग्स गिवन बाय गॉड, गॉड के द्वारा दी गई चीज़ों के बारे में 5 वाक्य लिखिए। अब पहला एग्जाम्पल उदाहरण करके बताया गया है, गॉड हैज़ गिवन अस फ्लावर्स, भगवान ने हमें फूल दिए हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये गॉड हैज़ गिवन अस लिखा है तो पांचों में गॉड हैज़ गिवन अस, गॉड हैज़ गिवन अस तो आएगा ही पांचों में। उसके आगे जो भी चीज़ दी है उसका नाम लिखना है, जैसे गॉड हैज़ गिवन अस ट्रीज, गॉड हैज़ गिवन अस फादर, गॉड हैज़ गिवन अस मदर, गॉड हैज़ गिवन अस ब्रदर, गॉड हैज़ गिवन अस सिस्टर। ज़रूरी नहीं है मैं बता रहा हूँ वही लिखना है आपको, आप कुछ भी लिख सकते हैं, गॉड हैज़ गिवन अस ट्रीज, गॉड हैज़ गिवन अस बर्ड्स, गॉड हैज़ गिवन अस स्काई, गॉड हैज़ गिवन अस अर्थ, गॉड हैज़ गिवन अस मून, गॉड हैज़ गिवन अस सन, जो भी चीज़ें भगवान ने दी है वो आपको लिखना है। किस प्रकार लिखना है? गॉड हैज़ गिवन अस तो सभी में आएगा, उसके आगे जो भी चीज़ दी है उसका नाम आपको लिखना है। इस तरह से आपको 5 वाक्य, 5 सेंटेंस बनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, लेट्स रीड, आओ पढ़ें, रीड द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अंडर इट, कविता को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी के तौर पर आपको दी गई है, तो आइए कविता को पढ़ते हैं। कविता का नाम है द नाइट स्काई। ऑल डे लॉन्ग द सन शाइन्स ब्राइट, इसका अर्थ हुआ सूर्य सारा दिन चमकता रहता है, ब्राइट यानी बहुत चमकीला या तेज चमकता रहता है, ब्राइट यानी चमकीला, साइंस यानी चमकना। द मून एंड स्टार्स कम आउट बाय नाइट, द मून एंड स्टार्स यानी चंद्रमा और तारे कम आउट बाय नाइट, मतलब रात के समय आ जाते हैं बाहर, जब सूर्य डूब जाता है और रात हो जाती है तब चंद्रमा और सितारे आसमान में आ जाते हैं।
फ्रॉम जुलाई टाइम दे लाई द स्काइस, फ्रॉम ट्यूलाइट टाइम यानी गोधली वेला के समय, मतलब रात्रि के समय, दे लाइन्स द स्काई, वे आसमान में टिमटिमाते हैं या चमकते हैं। एंड वॉच द वर्ल्ड विथ क्वाइट आइज, एंड वॉच द वर्ल्ड, और विश्व को देखते हैं विथ क्वाइट आइज, अपनी शांत आँखों से, मतलब बहुत ही शांति से वह इस दुनिया को देखते हैं। यह कविता है आर एल स्टीवेंसन, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन इसके पोएट हैं, इन्होंने यह कविता लिखी है। अब नीचे इस कविता से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, देख लेते हैं इन्हें भी। पहला प्रश्न है व्हाट साइंस ड्यूरिंग द डे, दिन की समय, दिन के समय क्या चमकता है? तो बच्चों बताओ दिन के समय क्या चमकता है? वेरी गुड, द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, दिन के समय सूर्य चमकता है, सन, द सन। हाउ डज द सन शाइन, सूर्य कैसे चमकता है, सूर्य कैसा चमकता है? तो द सन शाइन्स ब्राइट, सूर्य चमकीला चमकता है, ब्राइट यानी चमकीला चमकता है, बहुत तेज उसकी रोशनी होती है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कम आउट बाय द नाइट, जब रात होती है तब कौन बाहर आ जाता है? तो द मून एंड द स्टार्स कम आउट बाय द नाइट, जब रात होती है तब चांद और सितारे बाहर आ जाते हैं। हाउ डू द मून एंड द स्टार्स वॉच द वर्ल्ड, चंद्रमा और तारे विश्व को, दुनिया को किस तरह से देखते हैं? तो किस तरह से देखते हैं बच्चों? बहुत ही शांत आँखों से, क्वाइट आइज, विथ क्वाइट आइज। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज मोर प्लीजनिंग टू यू द मून और द स्टार्स, आपको सबसे अधिक अच्छा कौन लगता है, द मून यानी चंद्रमा या द स्टार्स यानी तारे? तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको मून अच्छा लगता है तो आप लिखेंगे द मून, आपको स्टार्स अच्छे लगते हैं तो आप लिखेंगे द स्टार्स यानी तारे। तो बच्चों एक बार संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ, व्हाट साइंस ड्यूरिंग द डे, दिन के समय कौन चमकता है, द सन यानी सूर्य। हाउ डज द सन शाइन, सूर्य कैसे चमकता है, द सन शाइंस ब्राइट, बी आर आई जी एच टी, द सन शाइंस ब्राइट। व्हाट कम आउट बाय द नाइट, रात्रि के समय कौन बाहर आ जाता है, तो द मून एंड द स्टार्स, द मून एंड द स्टार्स, एस टी ए आर एस, स्टार्स। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डू द मून एंड द स्टार्स वॉच द वर्ल्ड, चंद्रमा और सितारे विश्व या दुनिया को किस तरह देखते हैं, विथ क्वाइट आइज, विथ क्वाइट आइस, शांत आँखों से। व्हाट इज़ द मोर प्लीजनिंग डू यू, अब इसमें से जो आपको अच्छा लगता है, द मून, अगर चंद्रमा अच्छा लगता है तो आप द मून लिख देंगे, और अगर सितारे अच्छे लगते हैं तो द स्टार्स लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई सी भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 7566562294, या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दें आपके क्वेश्चन, वहीं पर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेट्स डू इट, आओ इसे करें। क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ सम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, कुछ फ्लावर्स यानी फूलों के नाम एंड फ्रूट्स यानी फलों के नाम लिखिए। ये तो आप कर ही लेंगे आसानी से, पांच फूलों और पांच फलों के नाम आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। फूलों के नाम में क्या क्या हो सकता है, रोज़ हो सकता है, मेरीगोल्ड हो सकता है, सनफ्लावर्स हो सकते हैं, लोटस हो सकता है ना, रोज़ यानी गुलाब, लोटस यानी कमल का फूल, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, लिली, लिली यानी कुमुदिनी, मेरीगोल्ड यानी गेंदा। फ्रूट्स में क्या लिख सकते हैं आप, मैंगो लिख सकते हैं, मैंगो यानी आम, बनाना लिख सकते हैं, बनाना यानी केला, ऑरेंज लिख सकते हैं, ऑरेंज यानी संतरा, एप्पल लिख सकते हैं, एप्पल मतलब सेब या सेवफल, पपाया लिख सकते हैं, पपाया यानी पपीता,
और भी जो भी इसके अलावा भी आपको जो नाम याद आ रहे हों या जो आप लिखना चाहते हैं वो आप पांच फलों और पांच फूलों के नाम लिख सकते हैं। फिर बी वाला, ड्रॉ देयर पिक्चर्स इन योर नोटबुक। अब अपनी नोटबुक में इनके चित्र बनाओ। अब जो भी फूल आपको अच्छा लगता है उसका चित्र बना सकते हो, जो भी फल आपको अच्छा लगता है उसका चित्र आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। थर्ड वाला है, कलेक्ट सम फ्लावर्स, कुछ फूलों को इकट्ठा कीजिए, एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स, और कुछ पौधों की पत्तियों को, लेट्स देम ड्राई एंड देन पेस्ट देम इन योर क्राफ्ट आर्ट एंड क्राफ्ट बुक, उन्हें सूखने दीजिए और उसके बाद उसे अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट बुक में पेस्ट यानी चिपकाइए। अब इसमें ये करना है आपको, आपको कुछ फ्लावर्स यानी फूल इकट्ठा करना है, जैसे गुलाब का फूल, गेंदे का फूल और जो भी फूल आपको आसपास मिल जाए वो आपको इकट्ठे करना है, और कुछ लीव्स ऑफ प्लांट्स यानी कुछ पौधों की पत्तियाँ, जो भी आपके घर में लगे होंगे पौधे या आसपास से आप पौधे की पत्तियाँ ला सकते हैं, उनको आप आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट बुक में आपको चिपकाना है। अगर आपके पास आर्ट एंड क्राफ्ट बुक नहीं है तो आप सिंपल बुक में भी आप चिपका सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ें पसंद है करना, और नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत तो है ही नहीं। मेन चीज़ आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, रिक्त स्थान भरने वाला, और ये सर्कल गोला लगाने वाली चीज़ें, ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और बाकी ये जितनी चीज़ें हमने बाद में करी हैं, जैसे ये सारी चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, आपको और अधिक नॉलेज या और अधिक सीखने के लिए ये चीज़ें भी आपकी एक्स्ट्रा हैं, ये पोएम भी आपकी एक्स्ट्रा है और अधिक चीज़ें सीखने के लिए, है ना। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आंसर और ये सर्कल लगाने वाला, एग्ज़ाम में आपको सर्कल वाला, फिल इन द ब्लैंक्स और ये क्वेश्चन आंसर आते हैं। बाकी चीज़ें जो है आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, जो आपको और अधिक चीज़ें सीखने में मदद करती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ें सीखते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, जय हिंद।